गुरुग्राम रोड पर एक फार्म हाउस में दारू पार्टी चल रही थी। तभी गुरुग्राम पुलिस को मिली सूचना के बाद शनिवार सुबह 3 बजे पुलिस की टीम ने फार्म हाउस में छापेमारी कर दी। पुलिस ने वहां से 34 लड़के और 9 लड़कियों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया। हालांकि सभी 43 लोगों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया, जबकि बिना अनुमति के पार्टी करने वाले 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने DLF फेज 1 थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, DLF फेज 1 के एरिया के अंदर एक फार्म हाउस के ऊपर हमें सूचना मिली थी कि एक गार्डन के अंदर वहां पर रेप पार्टी चल रही है। पुलिस ने वहां पर रेड की, हमें रिकवरी उसमें नारकोटिक्स की कोई रिकवरी नहीं है, वहां पर शराब की रिकवरी है वहां पर। और एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बता देता हूं, उसमें टोटल उसके अंदर 34 बॉयज़ एंड 9 गर्ल्स वर जस्ट ड्रिंकिंग एंड टोटल रिकवरी जो 120 के करीब कैन वगैरह है, बट नारकोटिक्स की रिकवरी नहीं है। बोलिंग इन रेप पार्टी सही नहीं हुआ। और उसके अलावा जो फार्म हाउस था जिन्होंने विदाउट परमिशन ये पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज किया, उनके खिलाफ भी हमने केस रजिस्टर किया है अंडर सेक्शन 61(1)(14) ऑफ एक्साइज एक्ट 188 CRPC। और उनके खिलाफ कोई एक्शन को वो नहीं देखे छोड़ा गया। अगर कुछ रिकवर होता तो फिर हम उसके ऊपर स्टेप कर भी जाते, कुछ सिम्टम्स भी होने चाहिए थे वहाँ पर। अगर किसी भी चीज से हम करें कोई सपोज गुड़िया वगैरह कुछ भी मिले गिरफ्तार। इसमें टोटल 6 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें ये ओनर है फार्म हाउस का विदाउट परमिशन के, वहाँ पे 4 पार्टीज ऑर्गेनाइज की और उसके बाद मैनेजर जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की। DCP ईस्ट चंद्रमोहन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बंदवाड़ी गांव के पास मन्नत पार्क पुल साइड में रेव पार्टी चल रही है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेड की। इस दौरान पुलिस को पार्टी में कोई भी नशीली चीज नहीं मिली। हालांकि मौके पर 43 लोग मिले जिन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया, जबकि 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी लोगों को 1000 के कूपन पर बुलाया गया था। अभी मामले की जाँच की जा रही है। न्यूज़ डेस्क।